बेस पे और पिछली बार के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में 89 नंबर शीट पहले ओपन करना, ये वाली ये शीट है, शीट नंबर 89। ठीक, इस शीट के ऊपर हेडिंग जरूर डाल लेना प्लीज, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एग्जाम्पल्स ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, क्योंकि ऐसी तीन असाइनमेंट्स आएंगी, देखने में सब एक जैसी हैं। एग्जाम्पल्स ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी कि ये LC के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, दिखाता हूँ कैसे। शीट नंबर कौन सी है? 89। नंबरिंग डालते रहना प्लीज, 89। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, मुझे साथ साथ बताना। इधर देखो, अ 100 हर्ट्ज AC, तो बोलो क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। फ्लोइंग इन 14 मिली हेनरी कॉयल, ये क्या गिवन है? L, इसको हेनरी में कन्वर्ट करना है। फाइंड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब क्या निकलेगा? XL, XL का फॉर्मूला L ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एल गिवन है, आंसर क्लियर यहां तक। उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 10, प्योर इंडक्टर, तो क्या गिवन है? पहली बात तो प्योर इंडक्टर है, आर नहीं लेना, तो एक्स एल गिवन है, एल गिवन है। सोर्स 220 वोल्ट है, कुछ नहीं मेंशन कर रहा कौन सी वोल्टेज है, तो कौन सी वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज है, तो ये ई आरएमएस है। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है? एक्स एल एंड आरएमएस करंट, आई आरएमएस, अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो एक्स एल तो बिल्कुल क्लियर है, एल टाइम्स ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, एक्स एल आ गया। अब क्योंकि आई आरएमएस क्या होता है? ई आरएमएस बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में ओनली प्योर इंडक्टर में कौन सी कंसिडर करेंगे? एक्स एल। अगर प्योर इंडक्टर ना होता फिर क्या कंसिडर करते? जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, प्योर इंडक्टर में सिर्फ एक्स एल, तो आपको ई आर एम एस पता है, एक्स एल पता है, यहां से आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन है? एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, तो बोलो क्या गिवन है? एल। एल करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव, तो करंट साइन की फॉर्म में चलता है, विद एम्पलीट्यूड 0.25, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम, तो ये क्या गिवन है? आई नॉट, दिस इज मैक्सिमम करंट आई नॉट, एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वी आर एम एस, वी आर एम एस, वी अफेक्टिव, वन एंड दी सेम थिंग, तो क्या निकालना है इसमें? वी आर एम एस। क्वेश्चन के अंदर ओम लॉ लगाते हैं, वी आर एम एस इज आई इंटू रेजिस्टेंस, और प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? एक्सएल, तो वी अफेक्टिव इज आई अफेक्टिव इंटू एक्सएल, आई अफेक्टिव या आई आर एम एस एक ही बात है, आई नॉट बाय रूट टू, और एक्सएल का मतलब एल ओमेगा, फ्रीक्वेंसी पता है, एल पता है, आई नॉट पता है, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये जो शीट है ये बेसिकली इस इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, एक्स एल और एक्स सी, ये आपका होमवर्क है। हर कोई स्टूडेंट अगली बार कम से कम ये जो क्वेश्चन नंबर 17 तक करेगा, और बताने की जरूरत नहीं कि अनसॉल्व तो साथ में करने ही करने हैं, सॉल्व अनसॉल्व दोनों, ये एक होमवर्क है। 90th शीट ओपन करो, 90, शीट नंबर 90 देखने में ऐसी है, नंबरिंग डालना, शीट नंबर 90, हेडिंग डालो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स ऑन एल एंड आर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल्स ऑन एल एंड आर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस।
देखो एलआर सर्किट हमने किया, हमने रादर एलसीआर किया। एलसीआर में अगर सी हटा दें तो फिर क्या बनेगा एलआर। देखो व्हेन एन इंडक्टर एल, ध्यान आगे, व्हेन एन इंडक्टर एल एंड रेजिस्टर आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये कौन सा सर्किट बना एल आर सीरीज में अक्रॉस 12 वोल्ट, कुछ नहीं मेंशन, तो कौन सी वोल्टेज है, ई आरएमएस, फ्रीक्वेंसी 50 है, करंट 0.5 एम्पियर फ्लोज इन दी सर्किट, कुछ नहीं बोला कौन सा करंट है, तो फिर आरएमएस, राइट। द करंट डिफर्स इन फेज, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज फाई गिवन है, फाई कितना गिवन है, पाई बाय 3, राइट। क्या निकालना है, आर निकालना है। अब क्योंकि ई आरएमएस पता है, आई आरएमएस पता है, अगर मैं एलआर सर्किट की टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करूं तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी। अब टोटल रेजिस्टेंस एल और आर मिला के, ना आर ना एक्स एल, टोटल रेजिस्टेंस को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेट। तो टोटल ईएमएफ को टोटल करंट से डिवाइड करके पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आएगी, और एलआर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेट। तो जेड की वैल्यू आ गई यहां से 24। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय सेट, फाई मुझे पता है, जेड मैंने निकाल लिया, आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं जो हमने आज किए डिस्कस। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है, तो ये क्या गिवन है, आर। बल्ब तो इंडक्टर नहीं होता, बल्ब तो आर होता है, कनेक्टेड टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, तो कौन सा सर्किट हो गया, एल आर, एल आर। पहले सबसे पहले यही काम होता है, ये देखना कि कौन सा सर्किट है, ये कौन सा है, एल आर इन सीरीज, सीरीज विद एन एसी सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट, कौन सी वोल्टेज है, ई आरएमएस, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, फेज डिफरेंस पता है, वोल्टेज और करंट का पाई बाय 4 एल निकालो। अब टेन फाइव का फॉर्मूला आज किया था, एक्स एल बाय आर, तो मुझे क्या निकालना है, एल, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π × फ्रीक्वेंसी, फाइव पता है, आर पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, एल। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एलआर सर्किट के जो आज जो हमने रिजल्ट्स किए थे उन्हें यूज करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये शीट भी आप अगली बार ट्राई करके आओगे टिल क्वेश्चन नंबर कितना, 28, और अनसॉल्व तो बोलने की जरूरत